Hello everybody and welcome to the channel. Thank you so much for joining me and let's do a reading for Farman for his career. आने वाले साल 2024 में फामान का करियर कैसा रहने वाला है, चलिए देखते हैं. Dear angels, God's guardians angels, Archangel Michael. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Farman. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Farman for his career in 2024. We thank you so much for this guidance. Thank you so very much. Balancing act. Something coming to an end. Wish. क्या होने वाला है फामान के करियर में? Excuse me. He's going back to something, working hard. All right, going back to working hard and Two of Pentacles in reverse. है और उसका किसी चीज का डेथ हो रहा है. ऑल राइट ओके. तो ओके, बैक ऑफ द डेक में देखिए, फामान इज गोइंग बैक टू वर्किंग हार्ड एंड फोकसिंग ऑन हिज करियर. ठीक है, अभी इस साल आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारी अननेसेसरी चीजों में ज्यादा उसका न्यूज, उसके कारण ज्यादा न्यूज में था. तो अभी आप देख सकते हो कि इस ईयर का इंटेंशन उसका है कि चलो बहुत ज्यादा यू नो देवदास वाली एनर्जी हो गई या इल्यूजन्स में इमोशंस हावी रहा और इस तरह की चीजों पे ज्यादा ध्यान रहा. अब क्या है कि टाइम टू वर्क हार्ड, इट्स टाइम टू गो बैक टू वर्किंग हार्ड. इस तरह की एनर्जी आप देख सकते हो विद द इंटेंशन टू मेक द सन राइज अगेन ऑन हिज करियर. ठीक है, इस तरह का इंटेंशन है उसका करियर को लेके. और अगर फामान की ओवरऑल एनर्जी भी आपने 24 की देखी होगी तो उसमें वो यही पे है कि ही वॉन्ट्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल टू हिज स्टेक होल्डर्स, है ना. ही वॉन्ट्स टू बी ओन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज फैंस, जो भी उसको पसंद करते हैं या फिर जो भी उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी सीरियल के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि उसको लेते हैं, तो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबल, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो दिख रहा है, मोर ओनरशिप दिखाते हुए, राइट, एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करते हुए. यहाँ पे भी देखिए, कॉन्शियस लेवल पे स्टार का कार्ड आया है, यानी कि फोकस कहाँ पे है? फोकस है आपका किस चीज पे? अपने ड्रीम्स पे. ओके, यहाँ पे जैसे कि आपको एक्सप्लेन किया है कि ही इज गोइंग बैक टू वर्किंग हार्ड, है ना, फोकस ऑन हिज करियर. यहाँ पे भी वो अपने ड्रीम, कॉन्शियस लेवल पे भी वो अपने ड्रीम पे ही फोकस्ड है. यहाँ पे जो एक ढुलमुल सी उसकी एनर्जी हो गई थी ना इस पूरे साल, जो आपने देखा होगा, कभी इल्यूजन्स में वैलो कर रहा है, कभी अदिति के इम्प्रेशन में वैलो कर रहा है, अभी अदिति के स्टोरीज में ज्यादा दिख रहा है, तो एक धुलमुल सी जो एनर्जी हो गई है उसका वो एंड करने वाला है. या फिर एक जो डोल्ड्रम्स में रहता था, अदिति के साथ वैलो कर रहा है पर पता नहीं क्या सोचता रहता है, एक हैंग्ड मैन की पोजीशन में था. बोलते हैं ना, जैसे कि जैसे जिस तरफ से विंड जिंदगी की
विंड लेके जा रही है, बस वैसे ही वो ऐसा ऐसे कर रहा है, जैसे कि बहुत ही फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने कदम नहीं रख रहा है, वो डिसाइड नहीं कर रहा है, बस जहाँ जिंदगी लेके जा रही है बस इमोशंस में बह रहे हैं, वैलो कर रहे हैं, इल्यूजन्स है, क्या मेरा सही है, क्या मेरा गलत है, क्या इम्प्रेशन जा रहा है, क्या फैंस मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, इन सारी चीज़ों पे जो ध्यान नहीं दे रहा था, वही यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि एक फोकस, एक डिटर्मिनेशन कि नहीं, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड आई ओ टू माई फैंस, आई ओ टू माई स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पे ही जो एक ढुलमुल वाली एनर्जी थी, इसका एंड हो रहा है, ये मैं पढ़ रही हूँ। और बिल्कुल ढुलमुल एनर्जी फोक एंड हो रहा है, क्योंकि अब वो बहुत फोकस्ड है अपने ड्रीम्स को पाने के लिए, कॉन्शियस लेवल में भी, एटीट्यूड में भी है कि यस ही विल कम अप विथ आइडियाज, ही विल कम अप विथ सोल्यूशंस। जैसा कि मैंने बोला था ना, वो जो एनर्जी देखी थी हमने कि मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर अकाउंटेबल, बस ऐसे नहीं कि लिप सर्विस, ऑन चार्ट्स, ऑन विथ डेटा, विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मोर प्रेजेंट, चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल, न्यू एनर्जी, वो सारी यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड के साथ एक न्यू एक्शन लेना, एक न्यू माइंड सेट, यू अंडरस्टैंड, दिस इज हिज एटीट्यूड। तो एक ढुलमुल एनर्जी का एंड, एंड वॉट एल्स, इन्वायरमेंट में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी प्रोजेक्ट्स उसको मिलेंगे, काफ़ी एक्शंस, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, काफ़ी बिजी रहने वाला है उसके आसपास का एन्वायरमेंट, वो लग रहा है। काफ़ी बिजी रहने वाला है ये चीज़ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको उसका एटीट्यूड में डिटर्मिनेशन दिख रहा है, क्लैरिटी ऑफ थॉट दिख रहा है, एक माइंडसेट चेंज दिख रहा है, एक न्यू माइंडसेट के साथ साल को अप्रोच करना है टू फुलफिल हिज ड्रीम्स। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, और यहाँ पे क्योंकि डिटर्मिनेशन है, क्लैरिटी है रास्ते में कहाँ जाना है, तो आप भी आगे बढ़ते जा रहे हो, एक्शंस लेते जा रहे हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आपको मिल रही हैं जहाँ पे आप बिजी हैं। ठीक है, होप्स में कहाँ पे, होप्स का कार्ड क्या है, किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड है। अब किंग ऑफ वॉन्स कौन होता है, किंग ऑफ वॉन्स वो होता है जो जिसकी नज़र फ्यूचर पे रहती है, यानी कि टोटल फ्यूचर फोकस कहाँ पे है, करियर पे है, गोइंग बैक टू वर्किंग हार्ड, टोटल फोकस करियर पे है, किंग ऑफ वॉन्स फोकस ऑन हिज विजन, राइट, जो चीज ड्रीम्स है तो उस पे फोकस है, तो वो भी चीज सही है यहाँ पे। और मुझे लग रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स में है, एंड वी विल नीड अ क्लैरिफायर टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज दिस किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स टेलिंग अस हियर। पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, तो यहां तो हम समझ रहे हैं, यहां पे अगेन अगर सबकॉन्शियस लेवल पे एक न्यू जर्नी को स्टार्ट करना है नहीं करना है, वहां पे कंफ्यूजन दिख रहा है, और शायद यही कंफ्यूजन और एक ढुलमुल एनर्जी जो थी, यहाँ जाएं वहाँ जाएं, क्या करें नहीं करें, वैलो करें वैलो 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 इन इमोशंस, इल्यूजन्स में, क्योंकि एक न्यू जर्नी तो वो स्टार्ट करना चाह रहा है, पर अभी भी है क्या, इनडिसाइसिव है, तो इनडिसाइसिवनेस जो है ना वो एंड हो रहा है यहाँ पे, तो कुछ डिसीजन मेकिंग हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप फोर ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि काफी चीजें जो जिस विजन के साथ, जिस क्लैरिटी को लेके, एक्शन लेते हुए, ड्रीम्स पे फोकस करके जो वो डिसीजन एक्शन ले रहा है यहाँ पे, तो काफी चीजें वो अपने लिए इकट्ठा भी कर लेगा। ही विल बी एबल टू कलेक्ट
थिंग्स फॉर हिमसेल्फ, जो भी है ही इज